आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। जीवन में हर एक छोटी बड़ी समस्याएं आती रहती हैं। मनुष्य है तो समस्या भी आएंगी, सब कुछ है। भावना यहाँ पर इतनी है कि आपको किसी प्रकार की भी व्यथा हो, दुख हो, समस्या हो, कुछ भी हो, आपको रोना भी खूब आ रहा है तो आपको केवल भगवान जी के आगे बैठ के ही रोना चाहिए। उनके आगे ही करना चाहिए, उनके आगे अपनी व्यथा बतानी चाहिए, उनके आगे समस्या रखनी चाहिए। वही सबसे बढ़िया रहता है, वही सबसे अच्छा रहता है, पूरी आस्था के साथ। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिए, आपकी जो भी समस्या छोटी बड़ी कैसी भी हो, आपको क्या कहते हैं, बस भगवान जी के आगे एक और बोल के रख देना है कि हे भगवान, ये मेरी समस्या है या ये मेरी इच्छा, समस्या भी नहीं इच्छा है, ठीक है ना, इसकी पूर्ति आपको करनी है, समस्या का निवारण आपको करना, ये दुख आपको मिटाना है, ठीक है ना, जो भी कुछ है ये आपको देख, उसके बाद वो छोड़ दीजिए उनको कहकर। आपको फिर बार बार रोज रोज नहीं कहना, आपको सांसारिक विषयों की बातों को आपको आपकी जो भी इच्छा, फिर से समझ लीजिए, इच्छा समस्या दुख जो भी है, एक बार पूरे भावपूर्ण नेत्रों से आंसू बहाते हुए, नहीं भी है तो भी हाथ जोड़ के श्रद्धा भाव से भगवान को बोल के रख दीजिए। एक से ज्यादा समस्या है कुछ और बातें, तो उसको फिर कागज पे छोटा सा एक एक लाइन में लिखकर कि मेरी ये समस्या है, हे भगवान जी, हे देवी माँ, हे देव, ये आपको क्या कहते हैं, मेरी आप इसका निवारण करो या ये मेरी इच्छा पूर्ति करो, वो लिख दीजिए। और वो कागज को लपेट के वहीं मंदिर में आप भगवान जी के चरणों में रख दीजिए। उसको आप डब्बी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो वहीं रख दीजिए आप बस। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको कर्म तो करना है उस समस्या को, जो भी कुछ है या जैसे भी कुछ है, आपको कर्म तो करना है, लेकिन उसके क्या फल निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलेंगे, परिणाम आएंगे, आपको उसके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि आपने भगवान जी को बोल दिया। अब यह है कि आपके प्रारब्ध के हिसाब से अगर आपको किसी प्रकार का भी फिर भी आपके साथ होना, तो वो आपको मिलेगा। लेकिन जब आपने भगवान जी पे छोड़ दिया, तो वहां पर आपके साथ क्या रहेगा, उसमें न्यूनतम हो या तो हो जाएगा, या वो समस्या आपका पूर्णतया निवारण हो जाएगी, आपकी पूर्णतया इच्छा पूर्ति हो जाएगी, या जो भी कुछ है। और नहीं तो न्यूनतम होने का मतलब कोई दुख गहरा है, कुछ कोई दुख आपको बहुत ज्यादा मिलना है, तो सूली का सूल मतलब छोटा सा होकर रह जाएगा बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अव्वल तो पूरी होगी, और नहीं तो छोटा सा आपका बन के आपको मतलब महसूस भी नहीं होगा, और आपका रास्ता निकल जाएगा और आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसीलिए बजाय हम औरों के आगे हमेशा दिन रात चिंता में पड़े रहे, दिन रात सोचते रहे, कोई भी हमसे बात करे तो हम कहते फूट पड़ते हैं, रो पड़ते हैं, हम अपनी व्यथा बताने लगते, छोड़ दीजिए, मत सोचे। जब ये भी एक मैंने बार बार कहा ना, इसीलिए फिर से इस वीडियो थोड़ी लंबी हो रही, कि आपने अगर भगवान जी को बोल दिया, तो फिर उस पे आपको बार बार चिंता कर करके अपने आप में रोना नहीं है सारे दिन। आप भगवान जी कह के 3 बार रो लो, ज्यादा अच्छा है। लेकिन आपको क्या कहते हैं, अपने कर्म को छोड़कर बाकी और कुछ भी आपको उसके बारे में ये नहीं सोचना, क्या होगा क्या नहीं। मंगल कामनाएं। नमस्कार।